नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? जगदीश बहादुर सर। तो आज आपके यहाँ पर जो मीटिंग थी नगर पालिका को लेकर, आखिर किस कारण मीटिंग बुलाई गई? नगर पालिका से लोग संतुष्ट नहीं है जी। अब आदमपुर के अंदर चारों तरफ पानी भरा पड़ा है, सीवरेज बंद है और नगर पालिका, यहाँ नगर पालिका का स्टाफ कहता है चालू हो चुकी है, परंतु कोई कर्मचारी कोई और इस तरह का कोई ऐसी हरकत नहीं है जो मंडी में सहूलियत दे। नोटिस तो मेरे ख्याल में सैकड़ों निकाल रखे हैं नगर पालिका वालों ने, परंतु कोई सहूलियत 1% भी नहीं दे रहे हैं जी। लोग दुखी है नगर पालिका होने से पहले, तो बनने के बाद तो पता नहीं क्या, यहाँ 200 आदमियों का स्टाफ आएगा, क्या क्या कार्रवाई होगी, लोग दुखी होंगे, इससे सुखी नहीं होंगे नगर पालिका से जी। तो क्या कारण है दुखी होने का? तो नगर पालिका से कोई काम तो होते नहीं है जी। बुन्ना नगर पालिका हमने देखी है, 3-4 साल हो गए बने हुए, वहाँ कोई काम नहीं हुआ है, तो यहाँ काम कैसे होंगे? और सरकार चाहे तो काम तो वैसे भी हो सकते हैं सर, पंचायत में भी हो सकते हैं, सब डिवीजन बना दो यहाँ, तो काम करवाना तो सरकार चाहे तो हो सकते हैं जी। तो आज मीटिंग थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया? ये एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जी, नगर पालिका को कैंसिल करवाई जाए, सारी मंडी के लोग यही चाहते हैं जी। तो आप ज्ञापन सौंपोगे का क्या कदम? ये एक मीटिंग और बुलाएंगे, उसकी कमेटियां बनाएंगे, डोर टू डोर सारे लोग फिरेंगे और एक बहुमत बनाएंगे सारा, और ज्ञापन भी देंगे DC साहब को, मंत्री जी को, कुलदीप जी को, सबको ज्ञापन भी देंगे जी, कार्रवाई करेंगे सारी। उपचुनाव भी होने हैं आदमपुर के अंदर? हाँ, उपचुनाव तो जल्दी होना है जी। बिल्कुल जी, ठीक है। हाँ जी बोलो। हाँ, यहाँ कुलदीप जी 50-60 हज़ार वोटों से जीतेंगे जी, बिल्कुल कोई उनके आगे टक्कर में है ही नहीं। नहीं तो आप कुलदीप बिश्नोई से भी इस तरह की रिक्वेस्ट वगैरह ज्ञापन है वो दे सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी। कुलदीप जी यहाँ के विधायक है और उन्हें जरूर हम देंगे, और वो भी आदमपुर का, उन्होंने कैंसिल करवाया नगर पालिका, तो आदमपुर भी है मंडी को कैंसिल करवाएंगे, हमारे पूरी उम्मीद है, और कुलदीप जी ही यहाँ काम करवाएंगे, पहले भी करवाया है काम, उनके बगैर यहाँ इतने साल हो गए कोई काम हुआ तो नहीं जी। सरकार तो यही थी BJP, और अब कुलदीप जी BJP में आए तो कुछ फर्क पड़ेगा, इसका काम भी होंगे, सब चीज़ होंगे जी। और ये चुनाव आ गया, ठीक है जी, रौनक होगी आदमपुर के अंदर दोबारा। कल सर जो ये देखी थी हमने बाइट आप की मोबाइल पर ही देखी हमने, बाल समंदर रैली थी, कांग्रेस पार्टी के संपत सिंह भी थे और दीपेंद्र हुड्डा जी भी थे, परंतु एक भूपेंद्र काशनी आया आदमपुर के अंदर, अपने आप को नेता कहता है, हुड्डा साहब का नज़दीकी भी कहता है, जो यहाँ वेश्यावर्ती का अड्डा चलाता है, मेरा खुला चैलेंज है उसे, नेटरपिंग का धंधा करता है, तो क्या संपत सिंह जी ऐसे वरिष्ठ जो कांग्रेस नेता है ऐसे लोगों के कंधे पर यहाँ बंदूक चलाएंगे आदमपुर में? ये तो बिल्कुल गलत है। यदि ऐसे लोगों को उन्होंने साथ लिया है तो आदमपुर के साथ तो अन्याय है शुरू से ही। अच्छे लोग लो, वोट लड़ो, लड़ाई लड़ो, चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसे लोगों से बचो। तो क्या टक्कर दे पाएंगे कुलदीप बिश्नोई को? टक्कर कोई नहीं दे पाएगा जी, 50-60 हज़ार के मार्जिन से जीत होगी कुलदीप जी। कुलदीप बिश्नोई BJP पार्टी के साथ मिल गए हैं, तो इसका कोई कुलदीप बिश्नोई को फायदा होगा? सरकार से तो कुछ तो फायदा होगा जी, हल्के को तो फायदा होगा ही, बिल्कुल होगा सर। ना कुलदीप बिश्नोई को जीत में कुछ? हाँ जीत में तो फायदा होगा जी, बिल्कुल होगा। जो मार्जिन पीछे 30 हज़ार का था, 50-60 हज़ार का होगा जी, कोई टक्कर नहीं देगा कुलदीप जी को किसी किस्म से जी। ठीक है जी, धन्यवाद।